बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार के आदेशों को अधिकारी जो हैं वो खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। जो आदेश और प्रदेश की सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चलाकर धन खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के जनपद एटा में सरकार के आदेशों को जिम्मेदार अनदेखा कर रहे हैं। खबर एटा विकासखंड सकेट क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीपल खेरिया से है, जहां नगला कंदोली में मुख्य मार्ग कई सालों से दलदल में तब्दील हो चुका है, जिसकी अनदेखी किसी से छुपी नहीं है। यहां प्रधान से लेकर विकासखंड अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, जो आपको ये सामने जो रास्ता है, ये कब से इसकी स्थिति और क्या इससे आपको परेशानियां आती हैं? तो बहुत दिन से होगा, कम से कम 2-3 साल से ज्यादा होगा। जी, 2-3 साल। लोगों का कहना है 8-10 साल से ऐसा ही हालत है यहाँ। ज्यादा होगा भाई जी। तो ऐसे में आपको क्या परेशानियां आती हैं? परेशानी के देख लो, लिसनिंग रहे आप, बच्चे गिरते हैं। अगर बात की जाए स्वच्छता अभियान को लेकर के और ऐसे में जो बीमारियां हैं वो भी इससे पनपती हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रधान द्वारा क्या कोशिश करनी चाहिए? ये तो आप ही बताओ, हम क्या बता सकते हैं इसमें। क्या प्रधान द्वारा प्रयास किए जाते हैं जो इसके लिए मरम्मती कार्य किया जाए, या सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए? भैया मरम्मत करवा दो, बढ़िया करवा दो रोड। जैसे कि मौजूदा सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कड़े दावे करती है, तो आपका क्या मानना है कि ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये तस्वीरें जो है, मेरा रोड बढ़िया करवा दो, इतना ये सकेट एटा, ये गांव में जो जल भराव को लेकर ये यहाँ लोगों का कहना है कि समस्या निकलने में समस्या रहती है। ये साहब बहुत बड़ी समस्या है, क्या मामला? ये 10 साल से ना आ रहा हो जी। जी हाँ, जो विकास हो रहा है, क्या कमियां है, क्यों नहीं हो रहा है? ये 10 साल से साहब है ही नहीं रहा, है ही नहीं रहा है, सुनवाई है रही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि जो विकास है ही नहीं रहा हुआ है? नहीं रहा हुआ है चक्कर।